नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के रुड़की में एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक रविवार को बताया कि एक व्यक्ति और उसके दोस्तों ने कार में लिफ्ट देकर गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो महिला रात में अपनी 6 साल की बेटी के साथ मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियार से रुड़की की ओर जा रही थी, तभी उसे सोनू नाम के एक व्यक्ति ने लिफ्ट देने की पेशकश की। एसपी देहात परमेंद्र ढोबाल ने यहां पर बताया कि उस वक्त कुछ दोस्त पहले से ही कार में बैठे हुए थे। महिला के द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक सोनू और उसके साथियों ने चलती कार में महिला और उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उन्हें एक नहर के पास फेंक दिया। रास्ते पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक 6 साल की मासूम बच्ची और उसकी माँ के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। ये वही रास्ता है जो रुड़की से कलियर की ओर जाता है। आपको बता दूं, 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने आरोपी सोनू पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। मात्र इनाम घोषित कर देने से क्या पुलिस की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है या उत्तराखंड सरकार को इस पूरे प्रकरण में पुलिस की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? पुलिस प्रशासन को जनता की सुरक्षा के लिए बैठाया जाता है, जब वही पुलिस प्रशासन जनता की समस्याओं को अनदेखी करे और जनता के फोन को रिसीव ना करे, सीओ एसपी और एसएसपी तक जनता की समस्याओं को अनदेखी करता है तो घटना घटनी तय है। बता दूं कि रुड़की से कलियर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। इस पूरी दूरी में कहीं भी आपको बिजली के खंभे और पुलिस बीट की चौकी नजर नहीं आएगी। सवाल यही है कि जो पुलिस दावा करती है कि पूरी रात इस रास्ते पर गश्त किया जाता है, तो क्या यह है पुलिस की पोल खोलता है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है और पुलिस की आंखें अभी तक बंद थी। जहां पर यह घटना घटी है वहां से महज रुड़की की कोतवाली कुछ ही दूरी पर है, वहीं दूसरी ओर कलियर का थाना उपस्थित है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई है और दोनों थानों की पुलिस को पता तक नहीं चला है। यही कारण है कि ये घटना पुलिस की पोल खोलती है कि रात में यहाँ पर कोई भी गश्त नहीं किया जाता है। अगर इस रास्ते पर पुलिस मुस्तैद होती तो इतनी बड़ी घटना टल सकती थी। आखिर आरोपी फरार कैसे हुए और घटना कैसे घटी, इस सवाल का जवाब पुलिस ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा। पीड़िता से मिलने के लिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी रुड़की हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर काफी दुख व्यक्त किया है। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस की कार्यशैली पर भी यहां पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा बच्ची और माँ के साथ कैसे हो गया और पुलिस सोती रही। पुलिस के लिए कोई जवाबदेही यहाँ पर तय नहीं की गई है। कुछ दिन पूर्व रुड़की थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी और घटना के तुरंत बाद उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अभियुक्तों की धरपकड़ में लग गई थी। महिला एक अभियुक्त को पहले से भी जानने की बात सामने आई थी। 14 लोग हमारे इसमें लगे हुए हैं और 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हमारे पास लगे हैं और घटना के वर्कआउट करने के हमको काफ़ी नज़दीक हैं, जल्दी इसका खुलासा करते हैं। पुलिस के द्वारा हमें ये बताया गया, रात देर रात्रि वो 5 साल की बच्ची आई थी, इसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है और रात में बच्ची काफ़ी बीट भी कर रही थी, रात में ही माइनर सर्जरी कर दी गई थी और अभी हम लोगों ने अभी 1 घंटे पहले उसकी पूरी मेजर सर्जरी करके उसको पूरा रिपेयर कर दिया है। उसको लगता तो है, बाकी 24 घंटे तो अभी देख ही रहे हैं उसको, हमारे यहाँ भर्ती है वो और डॉक्टर्स की सघन निगरानी में हैं और डॉक्टर्स को सख्त हिदायतें दे दी गई हैं कि पूरा उसका उसकी ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए और हम लोग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची स्वस्थ होकर घर जाए। बच्ची की उम्र उसके माँ बाप के द्वारा जो बताई गई है 5 साल के आसपास बताई गई है। आपको बता दें कि रुड़की से कलियर लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और 7 किलोमीटर की दूरी में पूरे रास्ते में ना तो बिजली के खंभे हैं और ना ही कोई पुलिस बीट यहां पर है। पूरा रास्ता जंगल से घिरा हुआ है। कोई भी बड़ा हादसा और कोई भी बड़ी घटना को आसानी से यहां पर अंजाम दिया जा सकता है। वहीं इस घटना को लेकर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुतला भी यहां पर दहन किया गया है। तो फिलहाल ये थी रुड़की से हमारी सहयोगी चांद कुरैशी की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।